तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मैं हूँ वी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए फिर से जो नर्सिंग न्यूट्रिशन की क्लास थी वो लेकर आई हूँ। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विटामिन B2। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था विटामिन B1, जो कि हमने वाटर सोल्युबल विटामिन B कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया है। पहला जो हमारा फैट सोल्युबल विटामिन है ADE के, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वो क्लास चाहिए तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए ऑल इंडिया में, CG, राजस्थान, MP, हिमाचल प्रदेश, कहीं का भी न्यूज़ हो, आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और सेकंड बात कि आपको नर्सिंग से रिलेटेड CHO की वैकेंसी हो, स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, रेलवे नर्स की वैकेंसी हो, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन टाइम रहते मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर के हैं, BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर के, आपको रिसर्च का क्लास चाहिए तो मैंने रिसर्च की भी वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर ऑटोमेटिकली आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो जो है OBG का बनाने वाली हूँ, तो अगर आपको OBG का क्लास चाहिए तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको OBG का क्लास मिल सके। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा विटामिन का क्लास है। ठीक है, विटामिन B2। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B2। B1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा विटामिन B2। देखते हैं क्या बोलते हैं इसको, राइबोफ्लोविन भी बोलते हैं विटामिन B2 को। तो क्या होता है विटामिन B2, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्यूटी विटामिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं B2 को। इट इज़ अ येल्लोइज ग्रीन फ्लोरोसेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। और ये क्या होता है, येल्लो ग्रीन कलर का क्या होता है, एक फ्लोरोसेंट होते हैं और जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर है राइबोफ्लोविन का। ये कैसा होता है, येल्लोइज ग्रीन फ्लोरोसेंट होता है, ठीक है, और वाटर में घुलनशील होता है, और इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर द वर्ल्ड राइबोफ्लोविन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू सोर्स, राइबोस मीन्स मैनी राइबोस सुगर फाउंड इन सेवरल विटामिन, फ्लेविन यानी कि येलो। देखिए यहाँ पे राइबोफ्लेविन का मतलब होता है फ्लेव, यानी कि आप लोग जानते हो कि इसी कलर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइबोफ्लेविन का मतलब, जो फ्लेविन होता है उसका मतलब होता है येल्लो। ठीक है, और राइबोस होता है, राइबोस एक प्रोटीन होता है। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है उसका मतलब कि मीन्स मैनी राइबोस सुगर फाउंड इन सेवरल विटामिन्स। ठीक है, फिर इट इज़ अ वाइडली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम करते हैं हमारे बॉडी में, कौन, राइबोफ्लोविन। तो ये रहा राइबोफ्लोविन क्या होता है वो। फिर देखते हैं डेली डाइट्री सोर्स की कौन कौन से फूड से हमको राइबोफ्लोविन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो डाइट्री फूड्स का नाम लिखा हुआ है पूरा और ये जो इमेज दिया हुआ है, जैसे एलमंड है और मशरूम है, स्पाइनिच है, टेम्पिच है, गॉट मिल्क है, सीटेक मशरूम, एलमंड मिल्क, क्रीमी मशरूम, सोयाबीन्स, योगर्ट, विंचन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, विटामिन B2। ठीक है, फिर डेली रिकमेंडेशन कितना होता है विटामिन B2 का। तो डेली रिकमेंडेशन रिक्वायरमेंट जो है मैन को 1.5 mg होता है, वुमेंस को 1.2 mg होता है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जो वुमेंस जो है प्रेग्नेंट है, जो वुमेंस जो है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अपने बेबी को, उनको जो है ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि 2 से 2.3 ग्राम 3 mg। फिर चिल्ड्रन जो होते हैं उनको 1.3 mg क्या की ज़रूरत होती है, विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लोविन। फिर यहाँ पे देखते हैं आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ राइबोफ्लोविन, कि क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में राइबोफ्लोविन का। तो देखिए राइबोफ्लोविन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है हमारे बॉडी में। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। ठीक,
जो बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जब छोटे रहते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, तो उस टाइम में जो विटामिन B2 होता है, राइबोफ्लोविन होता है, वो बहुत हेल्प करता है ग्रोथ को इंक्रीज करने में। फिर मेटाबॉलिज्म, इट इन्वॉल्व इन द साइज इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। फिर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, थर्ड पॉइंट डाइजेशन में भी हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट नर्व सिस्टम, इट हेल्प इन अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व सिस्टम। और ये क्या करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग करता है हमारे नर्व सिस्टम को, अच्छे से वर्क करने में हेल्प करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर को बनाता है, ठीक है, जो थायमिन होते हैं उसे न्यूरो ट्रांसमीटर बनते हैं, तो ये भी कुछ हेल्प करता है हमारे नर्व सिस्टम को हेल्थी बनाए रखने में। फिर इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर नॉर्मल टिशू रेस्पिरेशन, जो टिशू रेस्पिरेशन होते हैं, जो हमारे वो सेल्स टिशू, वहाँ पे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, उसमें भी जो हमारा राइबोफ्लोविन है, विटामिन B2, वो बहुत ही हेल्प करता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेसेसरी फॉर हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों होगा, क्योंकि ये जो है एक टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू या सेल जो भी है, ठीक है, यहाँ पे गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ये CO2 जो है बाहर आएगा और O2 जो है अंदर जाएगा, ठीक, तो ये गैसेस का एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पे देखिए हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी बनाए रखना, किसी टिश्यू को हेल्दी रखना, जब गैसेस एक्सचेंज होंगी हमारे बॉडी में तभी तो म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी होंगे ना, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हेल्दी बनाए रखता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को। गुड फॉर स्किन, नेल्स एंड आईज, और ये क्या होते हैं, हेल्दी बनाए रखते हैं नेल्स, आईज और स्किन को। तो आप लोग भरपूर मात्रा में विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लोविन लीजिएगा, अगर आपको स्किन ठीक रखना है तो, फिर और आई को ठीक रखना है तो। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट कैंसर, और ये क्या करता है, कैंसर से भी प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी को, ठीक। तो ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोफ्लोविन, विटामिन B2। फिर देखते हैं और फंक्शन, यहाँ पे प्रेग्नेंट माइग्रेन, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के टाइम में लेडीज़ को माइग्रेन होते हैं, हेडेक होते हैं, ठीक है, उससे भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, कौन, हमारा राइबोफ्लोविन, ठीक है। फिर सपोर्ट्स आई हेल्थ, और हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि ये स्किन, नेल्स और आई के लिए हेल्पफुल होता है, तो यहाँ पे भी दिया है कि ये क्या करता है, सपोर्ट करता है आई को। फिर प्रिवेंट्स एंड ट्रीट एनीमिया, और ये जो खून की कमी होती है उसको भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है, एनीमिया से प्रिवेंट करती है। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि एनर्जी लेवल्स, और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंड कैंसर प्रिवेंशन, और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, रिडक्शन करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है, और कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। फिर प्रोटेक्शन हेयर एंड स्किन, और क्या करते हैं, हेयर और स्किन को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये जो है बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन B2 राइबोफ्लोविन के, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, पूरा विटामिन से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, 10 नंबर 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं BSc नर्सिंग में, पूरा डिस्क्राइब कीजिए ऑल विटामिन को, ऐसा आता है, तो आपको सारे विटामिन से रिलेटेड बहुत सारी कुछ कुछ लिखना रहता है। तो जो मेरा बाकी वीडियो है और इस वीडियो में जितना मैं विटामिन का बता रही हूँ, अगर आपके आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो इतना आप लोग के लिखने के लिए इनफ है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, इतने में आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ये जो है राइबोफ्लोविन, ठीक है, विटामिन B2, इसको, ये रहा हमारा ये आज का वीडियो, आज का क्लास जो है राइबोफ्लोविन B2 विटामिन। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा विटामिन B3 नियासिन होगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट्स है ही, अगर आप BSc नर्सिंग और GNM नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है, आता ही है एग्ज़ाम में हर साल, तो वीडियो को एक लाइक तो बनती ही है, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोग के तक। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।